Hey boys and girls, welcome back to another episode of Pokemon Platinum. तो guys, last episode में हम लोगों ने पोस्ट गेम को स्टार्ट कर दिया था एंड हम लोग आ चुके थे इस वाली जगह पे. इस वाली जगह का नाम क्या मैं भूल गया था. मैं थोड़ा सा जोन आउट कर गया हूँ क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड मतलब कल मैंने एपिसोड डाला नहीं था. तो हम लोग आ चुके थे फाइट एरिया में एंड यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में फाइट की थी फ्लिंट और एक और बंदा था, वॉकनर उसका नाम था. तो उसके साथ फाइट कर ली थी एंड उसके बाद बैरी ने मतलब हम लोग थोड़े थोड़े और प्लेसेस घूमे थे. लेकिन गाइज आप लोगों ने मेरे को बोल दिया था कि अगर मेरे को आगे जाना है तो मुझे मेरा पोकेडेक्स कंप्लीट करना पड़ेगा. कंप्लीट यानी कि ऐसा नहीं कि मुझे पोकेमोन्स को पकड़ना है, मुझे बस पोकेमोन को देखना था. एंड लकीली मतलब सीनो में ज़्यादा पोकेमोन्स है नहीं, सिर्फ 210 ही पोकेमोन है. सो मैंने सारे पोकेमोन्स को देख ही लिया है. तो अभी हम लोग सीधा फ्लाई करके जाने वाले हैं. सबसे पहले तो प्रोफेसर रोवन से मिलने हैं क्योंकि हम लोगों को उनके पास जाके काइंड ऑफ कुछ बातें करनी है सैंड जेम टाउन में. तो पहले वहाँ पे जाते हैं. मैं ओके, लेट्स सी यहाँ पे डॉन क्या कर रही है. हाय ओमकार, मे आई सी योर पोकेडेक्स? ओ माय गॉश, यू हैव सीन एवरी काइंड ऑफ पोकेमोन इन सिनो. हे लेट्स गो शो योर पोकेडेक्स टू प्रोफेसर रोवन. ओके, मैं उसी के लिए आया हूँ यहाँ पे बाय द वे. हो ओमकार, यू हैव कम टू शो मी योर प्रोग्रेस ऑन द पोकेडेक्स. यस, सो यू हैव सीन 210 पोकेमोन. एक्सीलेंट वर्क. द पोकेमोन ऑफ सिनो रीजन आर बींग एडेड टू योर पोकेडेक्स. दिस विल सर्टेनली हेल्प विथ माई स्टडीज ऑफ पोकेमोन एवोल्यूशन. ओ प्रोफेसर ओक आ चुके हैं. ग्रीटिंग्स प्रोफेसर रोवन, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम. आई विल टेल यू, सिनो सर्टेनली इज अ लॉन्ग ट्रिप फ्रॉम कैंटो ऑफकोर्स. If it means meeting new Pokemon, there is no distance too great for the likes of us to travel. If isn't my old colleague, Professor Oak. पता है ये जो सारे professors होते हैं ना, वो एक दूसरे के मतलब दोस्त होते हैं. एंड आप लोगों ने एक बार तो नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द professors की जो एज होती है वो मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है. तो मेरे पास एक थ्योरी है गाइज. थ्योरी तो नहीं है, मतलब ऐसा काइंड ऑफ थॉट आता है मेरे दिमाग में कभी कभी कि मतलब कोई ऐसा भी तो गेम होना चाहिए जिसमें ये सारे के सारे प्रोफेसर्स टीनेजर्स होंगे एंड जब इन लोगों ने काइंड ऑफ स्टडी की थी. आई नो मैंने एक मतलब पास्ट में एक गेम खेला था जिसमें हम लोग प्रोफेसर ओक की स्टोरी को प्ले करते हैं. बट स्टिल मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सारे प्रोफेसर्स तब यंग रहेंगे एंड उस टाइम पे आई डोंट नो उस टाइम पे कौन सा प्रोफेसर होगा. बट या आई शुड हैव एक्सपेक्टेड एज मच फ्रॉम द वर्ल्ड्स अथॉरिटी ऑन पोकेमोन. We always used to joke, where there are Pokemon, you will find Oak. Okay, it's good to see that hasn't changed one bit. Okay, हाँ obviously बात है. Generation 1 के या फिर Generation 3 के अगर आप लोगों ने games खेले रहेंगे तो आप लोगों का मतलब as always अगर आपका पहला game Pokemon Fire Red या फिर Pokemon Red या फिर Blue हो सकता है तो उसमें आप लोगों को प्रोफेसर रोवनी प्रोफेसर ओक ही आपके पहले प्रोफेसर होंगे ऑफ Pokemon. प्रोफेसर ओक, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई यंग असिस्टेंट. This youngster has filled every page of Sinnoh Pokédex for me. Oh well, very glad to meet you. As you have heard my name is Oak. I have been hearing a great deal about you and the professor from the Professor Rowan lately. He's been exuberant in praise about a fantastic young trainer. I see that you live up to know that you have surpassed his praise. You have also got an impeccable sense of timing. You see, I had an errand to run for Professor Rowan on my visit here. He would ask me to bring the data for the National Pokédex. You see, so since you are here, let me upgrade your Pokédex with the National mode. After all, there are many kinds of Pokémon in the world of ours. Okay, National Pokédex में I guess मैं बाकी regions के Pokémon को भी access कर सकता हूँ. I'm afraid it won't be easy to complete the national decks. However, I'm sure you will make an honest attempt on our behalf, okay? Have no fear, Omkar. We'll get the job done. By the way, Professor Oak, what compelled you to visit this region? Oh yes, I have heard that Pal Park is now open. If I remember correctly, it's at end of the route 221, okay? The Pal Park has the special system that attracts every imaginable kind of Pokemon from every region. Every region, okay, are you serious? मतलब नेशनल डेक्स में आई गेस मोस्ट प्रोबेबली
नेशनल मतलब सिनो के आगे के तो नहीं हो सकते, बट सिनो से पहले जितने भी पोकेमोन्स थे वो सब आई गेस मैं कैच कर सकता हूँ आगे आई गेस। आई हैव कम टू मेक सर्टन दैट सिस्टम इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। ओमकार यू शुड मेक एन एफर्ट टू विजिट द पाल पार्क टू। ओप्स आई विल बी लेट फॉर माई मीटिंग इफ आई डोंट गेट गोइंग। ओके इट वॉज अ प्लेजर सीइंग यू बोथ ऑफ यू। ओके बाय नाउ। ओके ऑफ ही गोज एज बिजी एज एवर। मतलब आपका दोस्त है आपको पता ही होगा। नाउ ओमकार आई हैव अ गिफ्ट हियर एज योर रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द सिनो पोकेडेक्स। पोके रेडार। ओके इससे क्या होता है? दैट्स पोके रेडार और जस्ट पोके रेडार। पोकेमोन रेडार और जस्ट पोके रेडार फॉर शॉर्ट। यूज इट एंड इट विल इंडिकेट्स ग्रास पैचेस वेयर पोकेमोन आर लर्किंग। ओह सीरियसली? इट वुड प्रिपेयर दैट टू हेल्प माई फील्ड असिस्टेंट्स पुट टुगेदर द सिनो पोकेडेक्स, बट यू टुक केयर ऑफ दैट। आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल फॉर योर गोल ऑफ फिलिंग द नेशनल डेक्स। ओके थैंक्स प्रोफेसर रोवन। आई गेस हम मुझे पता है कहाँ पर जाना है। मैं इससे बात करूँ क्या? कर लेते हैं। हे ओमकार हैव यू एवर चैटेड विथ माई किड सिस्टर? नहीं। पहली बात तेरे को बहन है, मुझे पता ही नहीं था। अब पता चला मुझे तेरी कोई सिस्टर भी है। पहले फ्लाई करके फिर से उधर जाऊँगा मैं। बैटल एरिया नाम था ना उसका, फाइट एरिया नाम है उस एरिया का। ओके चलो क्या मैं साइकिल यूज़ कर लूँ? चलो लेट्स सी। यहाँ पे तो नहीं जाना, मैंने लास्ट एपिसोड में फ़ाइट तो की थी सब। वेट आई गेस मुझे ना अभी पोकेमोन्स चेंज करने चाहिए। पहले साइकिल हटा यार, बहुत हार्ड हो जाता है साइकिल के साथ। वेट मुझे मेरी टीम में थोड़े से चेंजेस करने हैं। मुझे मेरे एचएम स्लेव्स को फिर से निकालना पड़ेगा बाहर। सो इट्स टाइम टू मूव माय पोकेमोन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये वो पोकेमोन है? इसके अटैक नहीं, ये वाला वो नहीं है। मुझे इतना तो याद है कि मेरा एक माचोप था जिसके पास आई गेस मैंने सारे टीएम सिखा के रखे थे। नहीं ये वाला भी वो नहीं है। वेट इस गेम में मैंने किसको सिखा के रखे? आई गेस ये वाला है वो। इसके पास कट है, रॉक स्मैश, सर्फ, वाटर फॉलो के। तो बाकी का स्ट्रेंथ वाला आइटम किसको सिखाया मैंने? इस गेम में मेरे पास एक लुकारियो है। डैम मुझे नहीं पता था। गाइज लेट मी नो क्या मुझे लुकारियो को मेरे टीम में ऐड करना चाहिए। बट मेरा दूसरा टीएम स्लेव कहाँ गया? क्या ये वो स्ट्रेंथ? इसके पास बस स्ट्रेंथ ही है। तो रॉक स्मैश मैंने किसी को सिखाया नहीं क्या? वेट ये तो सारे गिबल्स है। नहीं यार पता नहीं फिर कहाँ गया वो बंदा। काम कर लेते एक को मूव कर लेंगे। नहीं हाँ आई गेस मैमोस्वाइन तेरी फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो या तू यहाँ पे बैठ सकता है। वेट मैं पहले सबके मूव चेक करेगा। ये भी वो नहीं है। इसके पास स्ट्रेंथ है। मेरे पास एक गिराटीना भी था। ओके ये मेरे टीम में था बट फिर आप लोगों ने बोला कि इसका कोई ज़रूरत नहीं तो तू चेंज कर ले। ओके ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आई गेस यही है, ये है ना इसके पास रॉक स्मैश, रॉक क्लाइम और स्ट्रेंथ। हाँ यही तो है, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। दूसरा पोकेमोन किसको हटाऊँ? आई गेस इलेक्ट्रोवायर। तू यहाँ पे वेट कर सकता है ब्रो। ओके मेरा काम हो चुका है, नाउ लेट्स गो। आई डोंट नो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काम आ सकता है एचएम स्लेव्स का, क्योंकि सर्फ तो यहाँ पे लगेगा मुझे पता था। और यहाँ पे आई गेस लास्ट एपिसोड में कुछ बंदे खड़े थे जो कि मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहे थे, बट नाउ आई एम एबल टू एक्सेस दिस एरिया। लेट्स यू सुपर रिपेल एंड लेट्स गो। फाइट्स तो मुझे नहीं करनी। ओके इट वॉज ईजी। रॉक स्मैश है मेरे पास, बट वेट मैं ये क्यों तोड़ रहा हूँ? मुझे यहाँ से रास्ता तो था जाने का।
ओके कोई बात नहीं, बैरल यूज रॉक स्मैश। क्या मिला मुझे? ओ एक रेयर कैंडी। वैसे ज़रूरत तो नहीं आई कि मेरे पोकेमॉन्स के लेवल डिसेंट है। गाइज मुझे बताना मेरे पोकेमॉन्स के लेवल डिसेंट है कि नहीं, अगर नहीं तो मैं ट्रेन करूँ कि नहीं वो भी मुझे बताना थोड़ा सा। कंट्रोलर्स के साथ खेलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बट स्टिल आई गेस आई कैन डू इट। ब्लू शार्ड्स, आई डोंट नो इस गेम में शार्ड्स का क्यों यूज़ है बट स्टिल। एंड इसका क्या यूज़ है, यहाँ पे क्यों रखा है वो? उसको तोड़ने से थोड़ी ना कोई ऐसा एरिया है जो कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे रिपेल ख़त्म होने के बाद हम लोगों को मैन्युअली जाके करना पड़ता है। आई नो, पता है क्या, इसका एक आरपीजी एक्सपी वाला वर्जन भी है, समथिंग कॉल्ड बैंडिश्ड या फिर बैनिश्ड प्लैटिनम समथिंग लाइक दैट, जो कि आई गेस सेम ही गेम है बट वो बस आरपीजी एक्सपी वाला है। ए वेट, मेरे को जाना कहाँ पे? आई गेस यहाँ पे आगे जाना है मुझे। ओके ब्रो चल, यहाँ पे फाइट्स। ओ बच गया, मुझे फाइट्स नहीं करनी थी आज। आ यार कर ले, लेट्स गो विथ फ्लाई। क्रैबी, अरे ये तो कैंटो का पोकेमोन है। हाँ कॉरफिश, ओके इसी को रखूँगा मैं। ये है, आपको तो पता ही है, यस ये होएन का पोकेमोन है। कॉरफिश का दिखने में मुझे काफ़ी पसंद है। एंड ए किंगलर, ओके मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है ना, कोई बात नहीं। गैस्ट्रोन, आई चूज यू, लेट्स गो। मड बॉम्ब प्रोटेक्ट, ओके दो बार प्रोटेक्ट सीरियसली। स्लैम डैम, गैस्ट्रोन इस गेम में तो ज़्यादा ही पावरफुल है आई गेस। ये कौन सा एरिया है, लाइक आई डोंट नो। रिपेल खत्म, एक और मार लेता हूँ। लेट्स गो रिसोर्ट एरिया, रिलैक्स एंड प्ले। ओके क्या यहाँ पे पोकेमोन सेंटर है? ओ वाओ ये क्या है? ओके आई डू अपोलोजाइज, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव एस्टेब्लिशमेंट, ओपन ओनली टू सेलेक्ट अ फ्यू, यू माइट कंसिडर इट अ स्पेशल स्टेज फॉर द क्रीम ऑफ द क्रॉप। ओके इफ़ यू विश टू एंटर आई सजेस्ट यू स्टार्ट बाई कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ रिबन्स। ओ मुझे बाहर निकाल दिया लिटरली, इतनी बेइज्जती, आर यू सीरियस? आप क्या देख रहे हो टीवी पे? ओके अ ट्रेनर्स डे, दिस प्रोग्राम ऑफर्स यूनिक लुक इन टू द डेली लाइफ ऑफ द ट्रेनर्स। वी कवर अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स दैट अफेक्ट एंड कंसर्न ट्रेनर्स। लेट्स एग्जामिन वन एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनर्स डे। योर वेट इज ओवर, इट्स द सीनो शॉपिंग चैम कॉर्नर, टूडेज शॉपर इज ओमकार। ओ मेरा नाम हो बहुत आई, मैं टी वी पे आ रहा हूँ गाइज। द क्वान्टिटी परचेज 16। ओके ओमकार श्योर नोज हाउ टू शॉप, इट जस्ट वंडरफुल, वॉच राइट देयर, सी हाउ दिस शॉपर्स फिंगर्स डांस, नोटिस हाउ क्विकली ओमकार पिक्स इंडिविजुअल पैक्स ऑफ पोकी। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब लिटरली कोई पोकी बॉल लेगा तो ये लोग उसको न्यूज़ बना देंगे। दैट सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन रियली शाइन्स थ्रू, आई सी दिस ओमकार सर्टनली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। ओके जस्ट बिकॉज मैंने 16 पोकी बॉल्स बाय की है, थैंक यू। व्यूअर्स वी होप यू वॉन्ट गेट शोन अप बाई ओमकार शॉपिंग, सी यू अगेन। मैं ही था वो टी वी पर आया हुआ, कौन है? ऑल आई नीड टू बी हैप्पी इज माई टी वी, दैट्स ऑल आई नीड। ओके आई लर्न सो मच जस्ट सिटिंग हियर, आई ऑब्जर्व नॉलेज। ओके आई लर्न अबाउट द पोकेडेक ऐप, ओके मार्किंग मैप फॉर इंस्टेंस। ओके दे से द मार्किंग मैप कैन ट्रैक पोकेमॉन्स दैट ट्रैवल अराउंड। I have never met any traveling Pokemon, but I have heard about them. Okay. पता है मुझे कोई ऐसा गेम खेलना है जिसमें हमारा जो भी Pokemon होगा वो हमारा पीछा करेगा। I know अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग करेंगे कहेंगे कि
हार्ड गोल्ड खेल लो उसमें हमारा पोकेमॉन पीछा करता है, तो हाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ हार्ड गोल्ड को खेलने के लिए। द बेस्ट ट्रेनर्स फ्रॉम ऑल ओवर कॉन्ग्रेग, क्या लिखा है ये, कॉन्ग्रीगेट एट द बैटल फ्रंटियर। इट्स नॉट लिमिटेड टू सीनो, नो, इट मस्ट बी अ हैप्पी अचीवमेंट टू बी एबल टू विन देयर विथ योर फेवरेट पोकेमॉन यू हैव कॉट योर सेल्फ। ओके, मैं इससे बात नहीं करेगा, ये लोग पकाते हैं बहुत। ओके लेट्स सी, मुझे और क्या करना है। वो यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर है तो पहले जाके हील करूँगा मैं मेरे पोकेमॉन्स को। एंड आई गेस, जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं पोकेमॉन हार्ड गोल्ड खेलूँ मे बी, या फिर कोई आर पी जी एक्सपी गेम खेलूँगा। आर पी जी एक्सपी गेम में भी तो बहुत सारे पोकेमॉन्स हमारा, बहुत सारे गेम्स में हमारे पोकेमॉन पीछा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर ऐश हो गया, फायर ऐश को तो मैंने खेल लिया था। एंड गाइज, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि फायर ऐश का नेक्स्ट अपडेट कब आएगा। हे ट्रैवलर, यस यू, आई वॉन्ट यू टू हैव दिस विला। ओ वेट, नो नो नो, इट्स नॉट दैट वॉट यू आर थिंकिंग। This is no scam. See, in fact, you will be doing me a favor. See, I was given this villa, but to be honest, I don't need it either. So don't say a word. Just nod and this villa is yours. Seriously? De de bhai. That's a load off of my mind. The original owner was from Hoenn. See, the owner collected up all the rare stones of Sinnoh and went back home. I somehow got saddled with this place. As if it were some gift. There is no figuring what rich folks will think of next. Okay. Still, I thank you for helping me out. Come with me, will you? Are you serious? Itna bada ghar mere ko free mein mil gaya. Not too shabby. You have to agree. Step inside for a look. See, okay. The original owner's furniture is gone, so I didn't buy any. So yeah, I know it's barren. Still, not bad. But anyway, I feel kind of bad just imposing the place on you for nothing. I will tell you what, order a table from this order form. That will be do as my thanks to you, okay? Kitne ka pada mujhe table? Thank you for waiting. I am delivering you your order, okay? We hope you will keep ordering quality furnishing from us. Ye kaun sa baat hai game ka, mujhe nahi pata tha. The furniture's place services is great. They are real eager for business. Look, they left another order form on the table. They delivered, okay? Anyway, I am finally rid of this villa. Thank you. ऐसा अगर real life में होता ना guys, मैं सच्ची में वो villa ले लेता. Now I can go back to traveling like I have always wanted. Barry आ गया यहाँ पे. Hey Omkar, you got yourself a villa now. Woohoo, that's wicked awesome. You must be rich. Give me something. Okay, this is what I am gonna do. I will tell everybody you got a villa. Kyun bro? Matlab, I know you might be jealous of me, but still. Ye kya hai? Ye billing wala meko. Omkar opened the order form. Which furniture? Oh. But ye thoda costly nahi hai? बट डोंट वरी गाइज, मैं एक एक करके सारा ले लेगा। आई गेस आई नीड अ बेड। क्या मैं यहाँ पे जाके सो सकता हूँ? डैम, ए वेट, मैं इसका यूज नहीं कर सकता। मेरे को लगा मेरे पोकेमॉन एटलीस्ट हील होंगे। मेरे साथ स्कैम हो गया गाइज, मेरा लिटरली कितना पैसा चला गया। आर यू सीरियस? नहीं, मेरा लिटरली इतना पैसा चला गया यार। ओके फाइन, कोई नहीं, मैं फिर से कमा लेगा। बट स्टिल गाइज, मेरे पास एक खुद का घर है मेरे रिसोर्ट एरिया में। मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ ना पक्का? आई डोंट नो, लेट्स सी। काम करते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ से जाना कहाँ पे मुझे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। वेट, मुझे मैप ओपन कर लेना चाहिए कि आइटम्स कहाँ गए। ओके लेट्स सी। ओके मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो आई माइट गेट टू द सर्वाइवल एरिया। मैं यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता था फाइट एरिया से अगर ऊपर जाऊँगा, बट या लेट्स सी।
यहाँ से ऊपर जाना है ना मुझे, ठीक है। ओके, मुझे फाइट नहीं करनी। डैम, मैं बच गया। ओ, एक रोज़ेलिया। आई डोंट वॉन्ट टू कैच एनी न्यू पोकेमोन। इट बेटर कि मैं पहले रिपेल मार लूँ। ओके, यहाँ पे कुछ रखा है क्या? एक पोकेबॉल है बट वो बहुत ही अंदर है। एंड ये पत्थर क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स गो, आगे देखते हैं। रूट 228। ओ, यहाँ पे मेरे फुटप्रिंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आ गया। ओ डैम, इट लुक्स सो ऑसम। आई गेस यहाँ पे मुझे बाइसिकल का यूज़ करना है। वेट, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कंट्रोल्स के साथ बैटल करना या फिर कंट्रोल्स के साथ साइकिल चलाना बहुत हार्ड है। बट या कोई बात नहीं, क्लोज कॉम्बैट के साथ मैं इसको हरा देगा। होपफुली कोई ऐसे आगे ये ना हो पजल वगैरह जिसमें साइकिल का यूज़ करना पड़े। एक अबामो स्नो की फायर टाइप पोकेमोन, लेट्स गो इन्फर्नेप, मेरा स्टार्टर पोकेमोन। इसके लिए ओ मेरे पास फ्लेयर ब्लेड्स भी है बट वो ज़्यादा ही डैमेज कर देगा इसको, सो इट्स बेटर मैं फ्लेम थ्रोअर यूज़ करके इसको हरा दूँ। मैंने हरा दिया गाइज। वेट, ये स्पीड में कैसे चलता है? आई डोंट नो ये स्पीड में कैसे चलता है। हाँ अभी ऐसे स्पीड में चलता है यार, छोड़ो, आई डोंट नो, मैं नीचे से जाना प्रेफर करेगा। थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी मुझे बट या कोई बात नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ मैं साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर आई एम नॉट एबल टू। देखो देखो यहाँ पे लिटरली मेरे से नॉर्मल टर्न लिया नहीं जा रहा है। ओके, एक लायरॉन और एक एग्जीक्यूट। मेरा बी बैरल आ गया गया सीरियसली। मैं इसका फ्लाई यूज करके एग्जीक्यूट को हरा देगा। एंड आई कैन यूज सर्फ ऑन लैरी एंड आई गेस। अच्छा, सर्फ सबको लगता है, वाटरफॉल। ओ मैं भूल गया, इसके साथ मैंने ट्रेनिंग ही नहीं की थी। नाउ इन्फर्नेप, आई चूज यू, लेट्स गो। ही इज गॉन। ओ सर्वाइव, अटैक मिस हो गया क्या? आर यू सीरियस? मैं ब्रेव बर्ड यूज कर रहा हूँ फिर। ओके, फाइनली ये सैंडस्टॉर्म खाली फोकट में डैमेज दे रहा है। एम्पोलियन, ओके, आई गेस क्लोज कॉम्बैट एंड ग्रास नॉट से पहले इसके एम्पोलियन को बाहर निकालेंगे। ओके, डैम सर्वाइव, पहले हील करना है। हाइपर पोशन मैंने खरीद के रखे थे। ओके, नाउ आई गेस लेट्स, ये तो आई गेस जंगूज नॉर्मल टाइप ही होता है। ओके, ये भी चला गया। लिटरली दो पोकेमोन है मेरे पास जिनके पास क्लोज कॉम्बैट है। इस पोकेमॉन का कुछ करना पड़ेगा।
let's go return and let's go grass knot. हाँ grass knot भी तो super effective होता है, मैं भूल गया था. ओके लेवल्स मिल रहे खाली फुकट में. चलो आगे साइकिल हटाओ यार. ये क्या है? हेलो दद्दू, योर क्वेस्ट फॉर पावर हैज ब्रॉट यू हियर. वेरी वेल, लेट मी सी रिवॉर्ड योर पैशन विद सम एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग मूव्स. दे आर द अल्टीमेट मूव्स. शॉल आई टीच देम योर टू पोकेमॉन विच आई गेस मुझे पता है ये लोग स्टार्टर्स पोकेमॉन को सिखाते हैं ना. आई शुड टीच ब्लास्ट बर्न टू योर इन्फर्नीप. ओके मेरे पास ऑलरेडी एक है क्या ब्लास्ट बर्न? फ्लेयर ब्लिट्स है. मैं नहीं, फ्लेयर ब्लिट्स आई गेस एटलीस्ट उसकी पावर कम है, बट ब्लास्ट बर्न एक स्पेशल अटैक है. नहीं मैं नहीं सिखाने वाला. गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या मैंने सही किया. वेल दैट इज़ फाइन एज वेल. विजिट इफ यू हैव अ चांस ऑफ हर्ट हार्ट. ओके नाउ व्हाट? यहाँ पे मैं साइकिल यूज कर सकता हूँ. ओके फाइनली. बट यहाँ पे आने का मकसद क्या था मेरा? पहले ये रॉक स्मैश को तोड़ेंगे यहाँ से करके. एंड मुझे मिला एक शेड बेल. ओ ये मुझे पता है, ये एचपी रिकवर करती है आइटम अगर मतलब जस्ट लाइक सही है. एक कैक्ट्यूर. ओके जो भी था ये पोकेमॉन कैकेटरनी जो भी नाम है इसका. वेट मैं रन कर रहा हूँ. एंड पहले तो हम लोगों को बैग खोल के रिपेल्स मारने हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं नहीं चाहता फाइट करना. आ जा यार, मेरे को सर्वाइवल एरिया में पहुंचना है जल्दी से जल्दी. एक सैंड स्लैश. ओके ग्रास टाइप है नहीं मेरे पास, सो आई डोंट हैव एनी चॉइस. रिटर्न यूज कर लूँगा स्लैश. ओके ओके क्ले डॉल. ओ ये पोकेमॉन को कैसे बोल सकता हूँ? आई गेस ए बट वेट, वो साइकिक टाइप भी होता है, तो अगर उसका मन किया तो वो साइकिक टाइप हमले भी कर सकता है मेरे अगेंस्ट. कॉस्मिक पावर से अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा दिया उसने, बट मैं उसको फिजिकली हट कर रहा हूँ. ओ एक गैस्ट्रोडॉन. सीरियसली मुझे ना एक ग्रास टाइप मेरे टीम में ऐड करना ही चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत कमी उसकी भापती है यार. चलो ये तो चला जाएगा क्योंकि ये इसका अटैक भी मिस हो गया बेचारे का. फोर टाइम्स वीक होता है ग्रास टाइप के सामने. आई गेस मैं ग्रास टाइप मेरे टीम में ऐड करने वाला हूँ बहुत जल्दी. तो अगर आपके पास नज़र में कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन है, ओ एक ट्रेनर, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में. गाइज मैं लीफियन को कैसे पकड़ूँ यार? मतलब पहली बात तो आई डोंट नो मुझे ईवी कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे. अगर आपको पता है तो मुझे बता देना ईवी कहाँ पे मिलेगा एंड उसको मैं कैसे लीफियन में इवॉल्व करूँ, क्योंकि आई गेस मैंने कभी लीफियन के साथ खेला नहीं है कोई भी गेम. तो मे बी ये मेरा फर्स्ट गेम हो सकता है, वो भी पोस्ट गेम में खेलेगा मैं. माकुहिटा कीप बैटलिंग, बट आई गेस पहले मेरे को इसको हील कर लेना चाहिए बिकॉज जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं ये क्लोज था बहुत फेंट होने के. एंडियोर कर रहा है. ओके लेट्स गो विथ फ्लाई. फिर से एंडियोर. अरे यार तीन बार क्यों कर रहा है? मेरे को पता नहीं चलता इस गेम में इस मूव का मकसद क्या है. मतलब मैं चलो मान लेता हूँ, वैसे भी तू फेंट हो गया सैंडस्टॉर्म से. ओ माचैम सीरियसली आ जा. लेट्स गो विथ ब्रेव बर्ड. ओके पता नहीं फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स को जब हम लोग फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से हराते हैं ना एक अलग सा मजा आता है, एटलीस्ट मुझे तो आता है. ओह क्या मैं पहुंच गया? आई गेस मैं पहुंच गया.
नहीं अभी तक नहीं पहुंचा, मैंने रिपेल तो मार दिया था आई गेस। वेट आर यू सीरियस? धीरे धीरे धीरे। अगर मुझे इसको पार करना है तो मैं फंस जाएगा। आ जा। ओके एक टॉरस लेवल 61 का, डैम। आई डोंट थिंक मैं इसको एक क्लोज कॉम्बैट में हरा पाएगा क्योंकि इसका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, प्लस ही यूज स्वैगर। मैं मेरा पोकेमॉन चेंज कर देगा एंड आई विल ब्रिंग माय इन्फर्निप। आई गेस गलत चॉइस थी, बट या इसको दो दो क्लोज कॉम्बैट पड़े हैं सीरियसली। वाह 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 वाह। एक स्किप लूम, एक फ्लाई। वरी सीट से पता है क्या होता है? वरी सीट से आई गेस हमारे पोकेमोन की जो एबिलिटी है ना वो इंसोमनिया में चेंज हो जाती है, दैट मीन्स हम लोग सो नहीं सकते हैं। बट उसका फ़ायदा क्या है, मतलब मैं खुद ही नहीं समझा उसका फ़ायदा क्या है। सो नहीं सकते तो हाँ, मतलब कुछ कुछ पोकेमोन्स के ऊपर वो अच्छा है, जैसे कि जो रेस्ट यूज़ कर सकता है पोकेमोन उसके लिए सही है, बट बाकी आई डोंट थिंक कोई यूज़ है उसका। मेरे को बस यहाँ से धीरे धीरे जाना है एंड वेट। ओके ये इवेंट ट्रिगर हो गया। ओह इफ इट्स एंड ओमकार, इट्स बीन अ वाइल, यू हैव ग्रोन सो टफ दैट यू आर ट्रेनिंग आउट हियर नाउ। एवरीवन कीप्स गेटिंग टफर एंड टफर एंड इन डूइंग दैट दे डेवलप क्लोजर बॉन्ड्स विद देयर पोकेमोन। ओके दैट्स माई मास्टर, दोज आर वर्ड्स ऑफ विजडम्स। वॉट आर यू स्टिल हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग? आई डोंट फॉर अ सेकेंड एवर रिकॉल एक्सेप्टिंग यू एज माई अप्रेंटिस। ओके आई मीन इफ इट डिडंट, इफ इट्स रेसलिंग मूव्स आई कैन शो यू ऑल यू लाइक, बट मास्टर डोंट बी दैट वे। यू हैव गॉट टू गेट मी इन दैट क्लब इन द सर्वाइवर एरिया। ओके हाउ वुड यू आई गेट इन्वॉल्व इन दिस? सो एनी वे ओंकार, यू आर गोइंग टू स्टार्क माउंटेन। ओके इवन द वाइल्ड पोकेमॉन देयर आर वेरी वेरी टफ, इफ योर पोकेमॉन आरंट वेल ट्रेंड दे विल हैव अ मिजरेबल टाइम। देन अगेन दैट काइंड ऑफ चैलेंज इज एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। ओके बट नो मैटर वॉट, यू बेटर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। आई हैव गॉट अ गेट रेडी फॉर अनदर टूर्नामेंट, फेयरवेल। ओके आप यहाँ पे कर क्या रहे थे वैसे? बट या आई गेस ट्रेनिंग, यू नो आई थिंक आई गॉट अ लिटिल टफर अगेन, दैट्स वाई आई एम ऑफ टू द बैटल फ्रंट हियर सो आई कैन मेक सम चैलेंजेस। मास्टर वेट फॉर मी। ओके इस घर में क्या है? आई एम एक्साइटेड, रिपेल खत्म हो गया, नो वरी। ओ आई गेस ये दादी मेरे पोकेमॉन हील करके देंगे। ओ डियर यू आर गो, यू एंड योर पोकेमॉन फीलिंग टायर्ड, यू शुड रेस्ट अप। यस थैंक यू, यू आर स्टिल लुकिंग टायर्ड, यू आर स्टिल नीडिंग रेस्ट, आर यू, यू शुड रेस्ट अप अगेन। नो थैंक यू, आई ओनली कंसर्न फॉर यू, फॉर यूअर सेक, नो नीड टू वरी अबाउट पुटिंग मी आउट। ओके ठीक है, थैंक यू। आई गेस आज का एपिसोड बड़ा हो गया है, तो आई होप सो आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करोगे एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।